मध्य प्रदेश के शिवपुरी की छात्रा का कोटा में अपहरण हो गया। ये खबर आपने पिछले दिनों सुनी होगी। इस अपहरण की पूरी कहानी पर से पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि जो लड़की है, जो कि नाबालिग है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने अपहरण की कहानी रची थी। वहीं अब इस मामले में इंदौर का कनेक्शन भी सामने आया है। क्या है वो इंदौर कनेक्शन, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में उस वक्त कोहराम मच गया जब ये खबर निकलकर सामने आई कि शिवपुरी में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा, जो कि कोटा में नीट की यानी कि मेडिकल की पढ़ाई करने पहुंची है, उसका अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने उसके पिता को व्हाट्सएप पर लड़की का फोटो भेजा, जिसमें लड़की के हाथ पैरों पर रस्सी बंधी हुई है, मुंह पर टेप लगा हुआ है, कपड़ा बांधा हुआ है और साथ में लिखा कि 30 लाख रुपए की फिरौती दीजिए, नहीं तो आपकी बेटी जो है वो सही सलामत नहीं रहेगी। पुलिस इस मामले में जांच करती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री और गुना लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी, वो त्वरित एक्शन लेते हैं और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर युवती या कहे कि जो बच्ची है जिसका कथित तौर पर अपहरण हुआ था, उसके पिताजी से फोन पर बात भी करते हैं। हालांकि पुलिस की छानबीन में ये पता चलता है कि लड़की ने अपने अपहरण की कहानी खुद गढ़ी है अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें जो लड़की जिसका कथित तौर पर अपहरण हुआ था, वो दो दोस्तों के साथ मार्केट में घूमती हुई दिखाई देती है। बताया जा रहा है कि जो लड़की है वो घर से कोचिंग की फीस लेकर कोटा जा रही हुई क्या करने के लिए, लेकिन वो कोटा नहीं गई जबकि वो इंदौर में रूम लेकर रहने लगी। पुलिस के द्वारा जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस लड़की ने इंदौर में ही अपना एक फोटो शूट कराया, जिसमें वो अपने हाथ पैर बांधकर मुंह पर कपड़ा लगाकर बैठी हुई दिखाई दे रही है। इस फोटो शूट को उसके पिताजी को व्हाट्सएप पर संदेश के रूप में भेजा गया और फिरौती की मांग की गई। बताया ये भी जा रहा है कि लड़की अपने दोस्त के साथ विदेश जाना चाहती थी और इसीलिए 30 लाख रुपए की रकम फिरौती के रूप में अपने पिता से उसने मांगी थी। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे खुलासे के बाद जो मामला है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे मामले में लड़की के एक दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की और उसका एक और दोस्त अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन ये मामला सामने आने के बाद तमाम लोग इस पूरे घटनाक्रम के बाद सकते में आ गए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में लड़की और उसके दूसरे दोस्त की छानबीन कर रही है, उन्हें खोजने का प्रयास कर रही है और उन जल्द से जल्द पकड़ने का दावा भी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अपनी किडनैपिंग के लिए फोटो शूट करवाने वाली छात्रा फिलहाल तो फरार है। उसके परिवार वाले भी लगातार पुलिस के संपर्क में हैं और जल्द से जल्द छात्रा को पकड़ लिए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस जांच करती हुई दिखाई दे रही है और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ने की बात भी पुलिस कहते हुए दिखाई दे रही है। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।